Hello guys and welcome back. I'm Kasturi Sudham Patil. I'm always helping you to choose best career options. So in this video, we are going to talk about integrated MTech at VIT University Vellore. मैंने आपको last month में भी इसके बारे में पूरे detail information दी थी और आपको बताया था कि 31st में इसका last date है और June के first week में आपको option feelings का detail college के website through आपको मिलेगा और आपको वो चूज़ करना पड़ेगा. सो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि विच ब्रांच दे शुड चूज़, विच आर द बेस्ट करियर वेज, आइदर दे शुड गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनी अदर अल्टरनेटिव. सो वॉट शुड दे डू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन VIT, डेफिनेटली वेलकम टू VIT यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छा करियर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. VIT यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि ये आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट ऑफर करता है. लास्ट ईयर का भी इनका हाइएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ था. मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स टू रीच अप टू दैट लेवल जो कि 1.2 करोड़ का पैकेज हासिल कर जाए, बट डेफिनेटली आपको अच्छे खासे पैकेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं. मीडियम जो पैकेज है वो 10-12 lakhs पर एनम है. तो आपको दो साल में, या इंटीग्रेटेड MTech सपोज आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस 5 सालों में आपको बहुत ही अच्छे स्किल आपको सीखने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. कॉलेज के जो करिकुलम डिज़ाइन करा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, उतना डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पैकेज एट द एंड डेफिनेटली मिलेगा. और कौन सा भी स्ट्रीम हो, जैसे कि आपको यहाँ पे इन डिटेल करियर के जितने स्ट्रीम्स हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन करे हैं, तो कौन सा भी स्ट्रीम आपको आपके रैंक के हिसाब से मिल जाए आप उसको ले लेना, एडमिशन कर लेना, और उसके हिसाब से जैसे आपके कॉलेज के करिकुलम में आपको पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से आपको अपना 100% देना होगा. यू आर गिविंग 100% फ्रॉम योर एंड, यू विल गेट बेस्ट पैकेज फ्रॉम VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे जाते हैं. आप कॉलेज में एडमिशन लोगे उस टाइम कॉलेज आपको एक स्टूडेंट ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसमें आपको हर एक चीज का डिटेल दिया जाता है. तो आपको ईमेल्स आपके अच्छे से डेली से चेक करने होंगे, क्योंकि वहां पे ही आपको सारे करियर जो अपॉर्चुनिटीज है वो डेली अपडेट किए जाते हैं. यहाँ पे आपको जो कुछ भी फैकल्टी ने बताया है उसके अकॉर्डिंगली मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा फोकस आपको उस चीज़ में होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी सिलेबस डिज़ाइन करा है वो उन्हीं फैकल्टी के थ्रू किया है. जो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी उन्हीं फैकल्टी के थ्रू ही एग्ज़ाम पेपर निकाले जाते हैं. और आपको यहाँ पे सपोज किसी का बैकलॉग्स भी लगता है तो फिर भी विद इन 10 days यू कैन गिव एग्जाम एंड यू कैन पास दैट सब्जेक्ट. तो जितना कुछ आपको उस क्लास में पढ़ा जाता है आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. उसके नोट्स बनाओ, उसका स्टडी करो प्रॉपरली, प्लान करो डेली का जो कुछ भी आपको पढ़ाई करनी है, और उसके हिसाब से आप अपना डेली का शेड्यूल डिज़ाइन करो और उसको फॉलो करो. ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली इन आने वाले टाइम में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको सपोज 9 pointer मिल जाता है तो आपको 12-15 lakh पर एनम के पैकेजेस आसानी से मिल सकते हैं. ये सारी ट्रिक्स है जो मैंने MTech के बच्चों को पढ़ाते टाइम सीखी है, या मेरे इस 5-6 years के जर्नी से मुझे पता चला है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अच्छे पैकेजेस मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए. ये सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियो में भी बता चुकी हूँ और आज के मैं वीडियो में भी अलग से बता रही हूँ. तो आपको ये डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आप के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट रखा है और इतनी ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली इसका आउटपुट अच्छा आना ही चाहिए. आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. फिर मिलते हैं एक अनादर इन्फॉर्मेशन के साथ एक अनादर वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.